समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में ट्रेनों में यात्रियों से मेलजोल बढ़ाकर उन्हें जहर खुरानी का शिकार बनाने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से दर्जनों नशीली गोलियां, आधार कार्ड, 4,000 की नकदी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक चलती ट्रेनों में यात्रियों के साथ लगातार हो रही जहर खुरानी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत जीआरपी झांसी पुलिस ने देर रात वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को जहर खुरानी का शिकार बनाने की फिराक में घूम रहे मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर थाना उतीला निवासी बल्ली उर्फ नवल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से दर्जनों नशीली गोलियां और 4,000 की नकदी तथा ढेर सारे आधार कार्ड बरामद कर लिए हैं। पुलिस टीम के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसकी पत्नी मिलकर ट्रेनों में स्टेशन पर यात्रियों के साथ बैठकर मेलजोल बढ़ाकर उन्हें कोल्ड ड्रिंक, पेयजल पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर उन्हें बेहोश कर लूटपाट करते थे। झांसी रेलवे स्टेशन पर झांसी जीआरपी की टीम ने हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय के निर्देशन में जो हमारी टीम काम कर रही थी उसने झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एक चोर को गिरफ्तार किया है जो पूर्व में भी जहर खुरानी और चोरी घटनाएं कार्य कर चुका है। इसने झांसी जीआरपी थाने से संबंधित 13 अप्रैल को घटना कार्य की थी, उसी संबंधित इससे एक 4,000 रुपये, एक आधार कार्ड, साथ में 200 नशीली दवाएं टैबलेट बरामद हुई है। इससे इसकी पत्नी जी पूर्व में 2018 में झांसी जीआरपी से यह और इसकी जो पत्नी है जय देवी वो दोनों जेल जा चुके हैं। जी इसका आपराधिक इतिहास पूर्व में 2018 में जहरखुरानी और चोरी की कई घटनाओं में जीआरपी ग्वालियर से जेल जा चुका है। टैबलेट ये कहीं से खरीदते होंगे टैबलेट, उसके बाद ये टैबलेट्स का यूज करके यात्रियों से मेलजोल बढ़ाकर उनको किसी तरह खाद्य पदार्थों में, चाय में या बिस्कुट में, नमकीन में ये जहरीले जो टैबलेट्स को मिला देते हैं और यात्रियों का जो बेहोश होने पर उनका सामान चोरी कर लेते हैं। कहाँ घटना को अंजाम दिया? ये मेनली झांसी ग्वालियर रूट पर ही पूर्व में ये घटनाओं को अंजाम देते रहे ये, और पूर्वी घटना भी हमारी झांसी जीआरपी में हो चुकी है जो 13 अप्रैल को हुई थी।